चलिए दोस्तों, मैथ्स आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो आपको दिया जा रहा है वो साइंस से संबंधित है, यानी कि ह्यूमन बॉडी से संबंधित है। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित है। एक अंतःस्रावी ग्रंथि जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड है। थाइमस जो ग्रंथि होती है जो ट्रैकिया के नीचे जो बफर जोन होता है, यानी कि जो दो भागों में बट जाती है, यानी कि ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया के जस्ट नीचे फूड पाइप है और एक तरफ एयर पाइप है। जो एयर पाइप जुड़ा होगा वो लंग्स से जुड़ा होगा, यानी कि यहाँ पर ये लंग्स जुड़े होंगे दोनों, ठीक है। यहाँ पर ये लंग्स से जुड़े होंगे दोनों, तो ये एयर पाइप होता है वो लंग्स से जुड़ा होगा। जो फूड पाइप होता है वो स्टमक से जुड़ा होगा, यानी कि आमाशय से जुड़ा होता है। तो जहाँ पर एयर पाइप और फूड पाइप, ट्रैकिया ऊपर से आता है गले से और यहाँ पर दो भागों में बट जाता है, जस्ट उसी के नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है थाइमस नाम की एक ग्लैंड है। जो थाइमस ग्लैंड है इसका जो मुख्य कार्य है वो टी लिम्फोसाइट को परिपक्व बनाना है, अर्थात शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य है। यानी कि टी लिम्फोसाइट को परिपक्व बनाना होता है। टी लिम्फोसाइट्स को परिपक्व बनाना होता है और परिपक्व बना करके सुरक्षा प्रदान करना होता है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करना होता है। जो लिम्फोसाइट होती हैं ये WBC का भाग है। जो लिम्फोसाइट हैं चूँकि दो प्रकार की होती हैं, एक तो होता है टी लिम्फोसाइट और एक होता है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट को ट्रेनिंग जो दी जाती है वो थाइमस ग्रंथि में दी जाती है। बी लिम्फोसाइट को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो ब्लड में दी जाती है। और जो टी लिम्फोसाइट होती है इसके चूँकि भाग होते हैं T1 हुआ, T2 हुआ, T3 हुआ और T4, ये चार भागों में इसे बांट लिया जाता है। तो जो थाइमस नाम की जो ग्रंथि है तो जो T1, T2, T3 और T4 है इनको ट्रेनिंग देने का इसका मुख्य कार्य, यानी कि परिपक्व बनाने का मुख्य कार्य है और शरीर को सुरक्षा प्रदान करना है। तो जो टी लिम्फोसाइट यानी कि थाइमस ग्रंथि को ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टी लिम्फोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ट्रेनिंग सेंटर है ये किसका है, ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टी लिम्फोसाइट, यानी कि टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर नाम दिया जाता है थाइमस ग्रंथि को। और थाइमस ग्रंथि चूँकि ऐसी ग्रंथि है जो यौनावस्था के बाद धीरे धीरे इसका आकार घटने लगता है और 40-45 की उम्र तक, यानी कि 45 से 50 की उम्र तक ये अवशेषी के रूप में बचती है, और इसी कारण से जीरेंटोलॉजी में, यानी कि जो आयु विज्ञान में थाइमस ग्रंथि का एप्लीकेशन लगाया जाता है, उपयोग किया जाता है, थाइमस ग्रंथि का टेस्ट होता है। तो ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टी लिम्फोसाइट है 45-50 की उम्र के बाद, यानी कि यौनावस्था के बाद ये अवशेषी बस्ती है और इसका उपयोग आयु विज्ञान में यानी कि जीरेंटोलॉजी में किया जाता है। और ये जो ग्रंथि है इस ग्रंथि से एक हार्मोन का श्रवण होता है और इस हार्मोन का नाम है, ये जो हार्मोन है तो इस हार्मोन का जो नाम है वो थायमिन नाम का एक हार्मोन इससे निकलता है। ये जो हार्मोन है इसका जो मुख्य कार्य है वो टी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि टी लिम्फोसाइट को क्या बनाने के लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए ये प्रेरित करता है। शरीर में एंटीबॉडी बन जाएगी, यानी कि शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का काम है। और चूँकि थाइमस ग्रंथि को ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टी लिम्फोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो हार्मोन है इसे ट्रेनर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये प्रशिक्षु है। किसका प्रशिक्षु है, टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षु है, यानी कि ये ट्रेनर है। और चूँकि थाइमस ग्रंथि का अध्ययन किया जाता है जीरेंटोलॉजी में, आयु विज्ञान में, जिस कारण से जो थाइमिन नाम का जो हार्मोन है इसे आयु हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो ये थाइमस ग्रंथि है जिसका मुख्य कार्य है टी लिम्फोसाइट को परिपक्व बनाने का कार्य है और इससे एक हार्मोन का श्रवण होता है जिसका थाइमिन है। और ये आपको जानकारी दे दी गई है। तो ये थाइमस ग्रंथि है
ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर या नेक्स्ट वीडियो आपको इसी से संबंधित और वीडियो दिए आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।